किसी सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जिते देखुले नुआ दिशुए। जोहार, नमस्ते, हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियदर्शनी। आज के ब्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। वीडियो लाने में मैं लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज ना मैं अपनी फैमिली को लेके कहीं घूमने जा रही हूँ। हम कोई बाहर डिस्ट्रिक्ट नहीं जा रहे हैं, हमारे मयूरभंज में ना भारत का सबसे बड़ा सातवीं राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क, वहाँ जा रहे हैं हम। यहाँ देखिए सिमलीपाल का पूरा मैप दिया गया है। ये मैप देख के ही आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि सिमलीपाल के अंदर आपको कहाँ कहाँ जाना है और क्या देखना है। तो ये है बारीपदा, और बारीपदा से हम आए हैं। तो यहाँ का मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है वाटरफॉल। दो वाटरफॉल हैं, एक है जोरंदा वाटरफॉल और दूसरा है बोरेपानी वाटरफॉल। ये दोनों वाटरफॉल हम देखेंगे, और जहाँ से हमने एंट्री किया था ना, वहाँ से हम एग्जिट नहीं करेंगे। हम सीधे लास्ट गेट जोशीपुर के पास जो वाले गेट है, वहाँ से एग्जिट करेंगे। और अभी मैं सिमलीपाल के फर्स्ट गेट, एंट्री गेट पे खड़ी हूँ, जिसका नाम है पीठाबट्टा चेक गेट। ये सिमलीपाल के अंदर जाने का फर्स्ट एंट्री गेट है। और यहाँ पर जो सामने आप घर देख पा रहे हो ना, ये है इनका टिकट काउंटर। यहाँ पे जो लोग पहले से ऑनलाइन बुकिंग किए रहते हैं, उन सब का यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है। और अगर चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आकर भी ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक टिकट खरीदने के बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाएगा, उसमें आपका ड्राइवर का डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स और गाड़ी में कितने लोग जा रहे हैं, वो सब डिटेल्स भरना पड़ता है। और आपके साथ एक गाइड भी गाड़ी में जाएगा। और यहाँ पर्यटकों को सुबह 6 से 9 बजे के बीच पीठाबट्टा एवं जसीपुर के पास कल्याणी गेट से एंट्री के लिए अलाउ किया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा विश्व प्रसिद्ध सिमलीपाल अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व परियोजना 14 अक्टूबर से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। अभी मैं गेट क्रॉस करके अंदर जा रही हूँ, क्योंकि हम ऑफलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम है अभी। ये है मेरी फैमिली, माँ, बाबा और होपनायो, हस्बैंड और मेरा बेटा, और जो ड्राइवर हैं वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। साथ में हमारे गाइड भी हैं, जो टोपी पहने हुए हैं ना, वो हैं हमारे गाइड। यहाँ पर ना मुझे एक मज़ेदार बात सूझी, मुझे मेरे माइंड में ना एक प्रैंक करने का सूझा। सबको मैंने कहा कि दोनों साइड दीवार में ना एक गुम्फा है, तो उसमें बाघ रखा गया है। तो सब एक्साइटेड हो गए, तो कहाँ है, कहाँ है बाघ, कहाँ है, देखना है हमें। तो सब जाके जब देखे तो अंदर एक खिलौना जैसे नहीं, खिलौना बाघ, वो रखा गया था। बाबा देख के हंसे, सब कोई देख के हंसे कि अरे ये तो नकली बाघ है। मुझे ना इसके बारे में पहले से पता था, क्योंकि मैंने एक बार ना यूट्यूब वीडियो में देखा था। हमारा वेरिफिकेशन हो गया है, अभी हमारी गाड़ी सिमलीपाल के अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो चलिए अभी चलते हैं लुलुंग, लेकिन उससे पहले एक मेमोरी के लिए हम फोटो खिंचवाएंगे, फिर चलेंगे। जब आप सिमलीपाल आए ना, तो बड़ी गाड़ी लेके आइएगा। यहाँ अपनी पर्सनल कार अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि कार का जो पीछे का भाग है ना, वो ज़मीन से ज़्यादा गैप नहीं होता है। जब आप कार लेके सिमलीपाल के अंदर जाएंगे, तो आपके कार को बहुत नुकसान होने वाला है। सिमलीपाल पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है, तो पहाड़ी रास्ता है, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। तो बड़ी गाड़ी जैसे बुलेरो गाड़ी हम लेके आए ना, तो पहाड़ी रास्ता ये आसानी से चढ़ जाएगा, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं जिस जगह में हूँ, इस जगह का नाम है लुलुंग। लुलुंग में लुलुंग अरण्य निवास नाम के एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट यहाँ पर है। तो आप अगर दूर से आ रहे हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके रुक सकते हैं। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम सिमलीपाल के अंदर चलेंगे। तो चलिए अभी हम आप पहुँचे हैं ताराजुड़े चेक गेट पे। यहाँ हम टिकट दिखाने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो बीच बीच में ना सिमलीपाल के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे चेक गेट मिलेंगे, तो वो भी आपको दिखाते चलूँगी। ये देखिए अभी हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। सिमलीपाल का नाम सिमुल, जो सिल्क कॉटन के पेड़ होते हैं, लाल कपास के पेड़, उसके नाम से पड़ा है।
सिमरेपाल के जंगल में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो बहुत सारे वन्य जीवों का घर है, जो शायद ही कभी दिखते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे गाड़ियाँ जा रही है ना। हरे भरे विस्तार, ओस से भरे पहाड़, पक्षियों की चहचहाट, कलकल बहती नदी धाराएं और बाहरी दुनिया से एक नई दुनिया का अनुभव कराता है सिमरेपाल। सिमरेपाल बायोस्फीयर रिजर्व में एक मजबूत वनस्पति विविधता आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह की पेड़ आपको देखने को मिलेंगी। इसमें नेम प्लेट भी लगाया गया है देखिए, ताकि पर्यटकों को समझने में और जानने में आसानी हो। और यहाँ 1076 फूलों की प्रजातियाँ और ऑर्किड फूलों की 96 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ये बहुत बड़ा सिमली गोछो था ना, ये जो कपास लाल कपास गोछो, से गोछो गुड़ा कहीं देखा जाओ नहीं, कौन से बोर्ड रे तो लिखा ही नहीं। ओडिशा का मयूरभंज जिला एक आदिवासी बहुल जिला है, ये तो आपको पता ही होगा। हम आदिवासी ना प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति को ही अपना देवी देवता मानते हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, नदी, झरने, इन सबको ही हम अपना देवी देवता मानते हैं। तो यहाँ पर ना एक पूजा का स्थान बनाया गया है इस पहाड़ में, तो इसे हम बुरुबोंगा कहते हैं। तो यहाँ पर हम नारियल चढ़ाएंगे, मत्था टेकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में इस तरह के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ भी दिख जाएंगी। सिमरेपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये एक टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य है, साथ ही सिमरेपाल कुलढिया हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस पार्क में पक्षियों के लगभग 230 प्रजाति देखी जाती हैं, तो रास्ते में हमें मोर भी दिख गए। अभी हम आ पहुँचे हैं जोरोंदा वाटरफॉल पे, यहाँ से हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा वाटरफॉल तक। अभी मुझे और एक दुर्लभ पेड़ दिख गया, नाम है बाहड़ा और उसका इंग्लिश नेम भी नेम प्लेट पे लिखा हुआ था। देखिए गोछो देखो जी, ओके देखो जी, टाइगर रिजर्व के लिए सिमरेपाल का चयन आधिकारिक रूप से 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया और हमारे भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। सिमरेपाल रिजर्व 2009 के बाद से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। सिमरेपाल जैवमंडल 4374 वर्ग किलोमीटर यानी 4374 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 845 वर्ग किलोमीटर का कोर एरिया मतलब बाघ अभयारण्य और 2129 वर्ग किलोमीटर का बफर एरिया, जहां पर जंगल के अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, गांव में बसे हुए हैं, तो उसको बुफर एरिया कहा जाता है, और 1400 वर्ग किलोमीटर का संक्रमण एरिया शामिल है। सिमरेपाल बायोस्फीयर रिजर्व से होकर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे साळंद नदी, बूढ़ा बड़ंग नदी, पाळोपाळ भंडन, खारकई नदी और देव नदी बहती हैं। इसके अलावा शानदार झरने भी आपको देखने को मिलेंगे।
इनमें से जोरंदा वाटरफॉल एक है। जोरंदा वाटरफॉल की हाइट 597 फीट है। जोरंदा वाटरफॉल भारत का 19वां सबसे ऊंचा झरना है। जैव मंडल संरक्षण बायोस्फीयर रिजर्व ये एक ऐसा एरिया होता है जहां वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक आवास के रूप में काम करता है और मानव शोषण अवैध शिकार जैसे अवैध गतिविधियों से सुरक्षित होता है। अभी हम लौट रहे हैं, लौटते वक्त यहाँ के कुछ लोकल बच्चे मुझे दिख गए, ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मिशन में जा रहे हैं। देखिए लेखा अच्छे सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं, जिते देखुले नुआ दिशु थाए दूर रु थ प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करतु। अवश्य जगहटा तो सुंदर। जैव मंडल संरक्षण बायोस्फीयर रिजर्व जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी सहायक होता है। सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व को बेंगाल टाइगर और एक ब्लैक टाइगर भी यहाँ पर देखी जाती है। एशियाई हाथी गोर चोरसिंगा के घर के रूप में भी जाना जाता है। सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व में 340 साल पुराना, शायद उससे ज़्यादा होगा, एक विशाल साल का पेड़ है जिसे महासाड़ो वृक्षो नाम से जाना जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि उस साल के पेड़ में कुछ अलौकिक शक्ति है, दैविक शक्ति है, इसलिए स्थानीय लोग आसपास के गांव के लोग उस महासाड़ो वृक्षों को पूजा करते हैं, पूजते हैं। टाइम ही नहीं हो पाया इसलिए हम वो पेड़ देखने नहीं जा पाए, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर इतना अच्छा लग रहा था ना, ये हरे भरे पेड़ जंगल देख के अंदर से एक इतनी खुशी हो रही थी, एक खुशी मिल रही थी कि ये सब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप लोग भी समय निकाल कर कभी आइए, अक्टूबर से जून तक खुला रहता है, देखिएगा, आप लोगों को भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। बाघ और हाथी देखने को मिले या ना मिले, लेकिन मन को एक सुकून जरूर मिलता है। जंगल के बीच मुझे कुछ ग्रे कलर के लंगूर दिख गए जो नमक मिलाए हुए मिट्टी खा रहे थे। यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह पे मिट्टी खोद के उसमें नमक मिलाकर रखा जाता है। ऐसे नमक मिलाए हुए मिट्टी को हिरन और हाथी आकर भी खाते हैं। अभी हम आप पहुंचे हैं सिमिलपाल के और एक वाटरफॉल देखने, नाम है बरेपाणी जलप्रपात। इस प्रसिद्ध झरने के बारे में खास बात, इसकी दो बूंद वाले धार हैं जो 399 मीटर की ऊंचाई वाली पतली चट्टान से गिरती है और बरेपाणी वाटरफॉल देश का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल के रूप में अपना नाम दर्ज कराता है। और यहाँ देखिए सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व में ना जगह जगह ऐसे सोलर पैनल देखने को मिल जाता है। बरेपाणी वाटरफॉल की ऊंचाई की सुंदरता और नीचे गिरते हुए पानी की आवाज़ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। सिमिलपाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पे स्थित है। मेरे मन में जो सवाल थे बरेपाणी वाटरफॉल के बारे में विस्तार से कुछ जानना था मुझे, इसलिए मैं हमारे साथ जो आए हुए गाइड है ना उनसे मैं कुछ पूछ रही थी कि जैसे इस नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वही सब वो बता रहे थे। अभी सुनिए। ଯେହେତୁ ଚମ୍ପା ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗଛ ଅଛି, ଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ସେ ଗାଁଟା ନାଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଣଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ାବଣଙ୍ଗ ଗାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ନଦୀଟା ନାଁ ବି ରଖା ହେଇଛି ବୁଢ଼ାବଣଙ୍ଗ ନଦୀ। ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ, ସେ ଆସିକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉପରେ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବୁଢ଼ାବଣଙ୍ଗ ନଦୀ। ସେ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି, ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି ବରେଇ ପାଣି। ବରେଇ ରକମର ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ନାଁଟା ବରେଇ ପାଣି କରାହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆଖପାଖର ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଅଛି, ଏଇଟା ବରେଇ ପାଣି, ଏଇ ନାଁରେ ବରେଇ ପାଣି ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁକରଣ ବି ହେଇଛି ବରେଇ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଟା ଏଇ ରକମ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗରିକୁଷି ସେପଟେ ବାହାରିକି ବୁଢ଼ାବଙ୍ଗ ନଦୀ ଯାଇକି ବାରିପଦା ହେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଇଟା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ ଯାଉଛେ ସେଇଠି। ଚେତ କୋବି ନଖରିଙ୍ଗ ନଣ୍ଡେ ଦ ଆପେ ଅତୁ ମାନେ ନଣ୍ଡେ ଗେ ତାହେନ କାନା ପେସେ ବାଙ୍ଗା ରକବ କାନା ଲେ ଚିତାନ
अच्छा तहन हां आने बरत पणी कर ले तो ओहो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बिस्किट्स और चॉकलेट वगैरह बेच रहे हैं। हमारे गाइड का कहना है कि बिधु चंपक नामक एक जगह था, वहाँ पर एक चंपा का पेड़ हुआ करता था। उसी पेड़ के नीचे से ये बूढ़ा बड़ंग नदी निकली है। वहाँ से 25 किलोमीटर दूर होते हुए बहती हुए ये मघासनी पर्वत के ऊपर से होते हुए यहाँ पे गिर रही है। तो ये नदी बारीपदा से होते हुए बालेश्वर समुद्रों में जाकर मिल जाती है। और बरई का मतलब है कि रस्सी, ये रस्सी का आकार लेके नीचे गिर रही है, इसलिए इसका नाम है बरई पानी वाटरफॉल। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ पे एक प्राइवेट होटल भी है और गवर्नमेंट के तरफ से भी एक होटल कैंटीन है। जब आप टिकट करेंगे ना, टिकट बुकिंग करेंगे, उस टाइम पे ही खाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। आप भेज खाना चाहते हैं तो भेज ऑर्डर कर सकते हैं, और नॉनवेज में देसी चिकन ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर ना ब्रॉयलर चिकन नहीं मिलता है। खाना खाने के बाद हम इस छोटे से गांव को एक्सप्लोर करने देखने निकल पड़े। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में बफर एरिया हैं, जहां आदिवासी लोग अपनी बस्ती बनाकर, छोटे छोटे ऐसे गांव बनाकर रह रहे हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में दो टाइप के जनजातियाँ रहते हैं, एक है अरेंगा खरियास और दूसरा है मांकड़िया समुदाय के लोग रहते हैं, जो आज भी पारंपरिक तरीके से खेतीबाड़ी करते हैं। मैंने ना यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ के मतलब पूरे सिमलीपाल की मिट्टी का रंग थोड़ा हमारे गांव के मिट्टी से अलग ही है। यहाँ के मिट्टी का रंग पूरा लाल रंग का है। होपनायो पूछ रही है कि यहाँ हमारे सांथाल लोग रहते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर सांथाल लोग नहीं रहते। जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप के जनजाति यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अरेंगा खेरिया के लोग ना हमारी सांथाल भाषा अच्छे से बोल समझ पाते हैं। उसके बाद हम हमारे लास्ट पॉइंट पे गए थे, जगह का नाम था चोहला। चोहला में हिरन संबर दिख जाते हैं, लेकिन दूर से दिखते हैं, कैमरा में कैप्चर भी नहीं हो पाया। और खुले आँखों से जैसे आप एक जगह को एक्सप्लोर करोगे, देखोगे, फील कर सकते हो, वैसे आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाते हो, इसलिए मैंने और वीडियो शूट ही नहीं, वीडियो बनाया ही नहीं। और ये देखिए, रास्ते में हमें जाते समय देसी अदरक 50 रुपए में मिल गया। यहाँ के स्थानीय लोग अपने खेत में उगाई हुई चीज़ें यहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए रखते हैं। हमने तो सब खरीद लिया। यहाँ कद्दू, देसी कद्दू जैविक खाद से उगाई गई है, तो ये भी हमने ले लिया। देखने से इसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा कद्दू था। और यहाँ पर हनी, लाख, झूणा, ये सब देसी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो कभी आइएगा तो ज़रूर यहाँ से देसी चीज़ें खरीद के लेके जाइएगा। देखते देखते आज का दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, शाम होने को है। जोशीपुर होकर हम एग्जिट कर रहे हैं। सिमलीपाल में बाघ रात को या फिर थोड़ा अंधेरा होते ही दिखते हैं। बाघ देखना है तो आपको यहाँ पर जंगल सफारी की बुकिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपको यहाँ पर सिमलीपाल नेचर कैंप में रुकना पड़ेगा एक रात। हमारे गाइड 3 दिन पहले यहाँ पर किसी टूरिस्ट को लेके आए थे। उस दिन शाम 7-8 बजे के बीच उनको बाघ दिखा था, उन्होंने वीडियो लिया है, तो वही वीडियो उन्होंने मुझे भेजा था, तो वो वाला वीडियो क्लिप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज के मेरी इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स को। मिलती हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जोहार, बाय बाय।